अगर ऊपर वाले ने आपको दो हाथ दो पैर दिए, अच्छा खासा दिमाग दिया है, और अगर फिर भी आप अपनी किस्मत को कोसते रहते हो या फिर जो आपके पास नहीं है उसके लिए रोते रहते हो, बजाय उसको पाने की कोशिश करने के आप अपने आसपास की कंडीशंस को दोष देते रहते हो, तो आपको ऐसे लोगों के बारे में सुनना चाहिए जिन्होंने निराशा को आशा में बदला और रास्ते में आने वाले हर एक पत्थर को सफलता की सीढ़ी में बदल दिया। ऐसे लोग जो दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हैं, वो मायूसियों और नाकामयाबियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ऐसे ही लोगों में से एक की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं जो आपको बहुत हिम्मत देगी। उनका नाम है विल्मा रुडोल्फ। एक ऐसी लड़की जिसका जन्म गरीब परिवार में हुआ, जब वो सिर्फ 4 साल की थी तो उसे डबल निमोनिया और काला बुखार हो गया, जिसकी वजह से उसे पोलियो हुआ और उसका एक पैर खराब हो गया। अपने पैर को सहारा देने के लिए वो ब्रेसेस पहना करती थी। डॉक्टरों ने तो ये तक कह दिया था कि वो अब कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी बहुत हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ऊपर वाले की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वो जो चाहे वो पा सकती है। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह दुनिया की सबसे तेज रनर बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी विल्मा ने ब्रेसेस को उतार दिया और पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली रेस में हिस्सा लिया, पर वो सबसे पीछे आई। उसके बावजूद भी वह दूसरी, तीसरी, चौथी रेस में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वो दिन नहीं आ गया जब उसने अपनी पहली रेस जीती। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां पर उन्हें एड टेम्पल नाम का एक कोच मिला। विल्मा ने उन्हें अपनी ख्वाहिश बताई और कहा कि वह दुनिया की सबसे तेज रनर बनना चाहती है। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला उस वक्त की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जूता हेन से था, जो कि कभी हारी नहीं थी। विल्मा और जूता के बीच में पहला मुकाबला 100 मीटर की दौड़ का था और इसमें विल्मा ने जूता को आसानी से हराकर पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी और इसमें विल्मा ने जूता को दूसरी बार हराया और दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और इसमें विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जूता से ही था। रिले के रेस में आखिरी का हिस्सा टीम के सबसे तेज रेसर को दौड़ना होता है, इसीलिए विल्मा और जूता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के आखिरी 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटल बदली, पर जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई तो उसके हाथ से बैटल छूट गई। लेकिन विल्मा ने देख लिया था कि दूसरे छोर से जूता हेन तेजी से दौड़ी चली आ रही है। विल्मा ने गिरी हुई बैटल उठाई और मशीन की तरह ऐसी दौड़ी कि जूता को तीसरी बार भी हरा दिया और अपना 3रा गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 में ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। अब विल्मा रुडोल्फ की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या आप जानते हैं? इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद भी सफलता हासिल करते हैं, ना कि तब जब उनके रास्ते में कठिनाइयां हो ही नहीं। जब हम ऐसे लोगों की कहानियां सुनते या पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी कमियों को खूबियों में बदला, तो हमें नया जोश और